एक उदाहरण देना चाहूंगा, जब सीए एनआरसी हुआ था तो हाँ। उस वक्त दिल्ली में एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ और उस प्रोटेस्ट में जो पैसा आया, वो जो फंडिंग आई, जहाँ पे अगर हम जामिया की बात करें या फिर दिल्ली में सीलमपुर की बात करें या अलग अलग जगहों पे, बताया जा रहा है कि उसके लिए फंडिंग इकट्ठा करने का काम किसी और ने नहीं बल्कि पीएफआई ने कराया। दूसरी बात कि एक तो फंडिंग का काम कर ही रहा था, दूसरी तरफ ये पॉलिटिकली भी काफी एक्टिव होते जा रहे थे। मसलन अगर मैं बात करूं सुरभि, दक्षिण कनाडा की बात करूं जिले में, तो वहां पे 2013 में सिर्फ और सिर्फ जो है तकरीबन 21 सीटें जो है स्थानीय निकाय की उन्होंने जीती थी, लेकिन 2018 में जब वो चुनाव हुआ तो 121 सीटें वो जीत चुके थे। तो इस तरीके से वो केरल के बाद दक्षिण कनाडा, उसके बाद उडुपी और धीरे धीरे पॉलिटिकली बढ़ते जा रहे थे। अगर आप उत्तर प्रदेश में भी देखें तो सीए और एनआरसी के समय कानपुर का वाकया याद कर लीजिए, कोई ऐसा शहर नहीं था जहां पे की बवाल नहीं हुआ, और उस बवाल के पीछे अगर कोई फंडिंग की बात थी तो सिर्फ और सिर्फ पीएफआई की थी। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। एजेंसियों के साथ सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि इसके पीएफआई का कोई मतलब अकाउंट नहीं था। इनफैक्ट जो उन्होंने पॉलिटिकल विंग भी बनाया था उसमें पैसा कहाँ से आया, किसने दिया, किस तरीके से दिया, कैश ट्रांजेक्शन मैक्सिमम था, जिससे कि एजेंसियों को काफी दिक्कत हो रही थी इस बात को ट्रैक करने में कि आखिर कौन कौन से लोग हैं जो ये पैसा दे रहे हैं, जो फंडिंग दे रहे हैं। और सबसे मजेदार बात ये थी कि केरल एक ऐसा जगह है जहाँ पे की बहुत सारे लोग विदेशों में रहते हैं, मतलब केरल स्थानीय जगह के, वहां से इन्होंने पैसा इकट्ठा करना शुरू किया। और आपको देख के हैरानी होगी, जब मैं असम में था, असम में जिन जिलों में सड़कें नहीं थी गांव के अंदर पहुंचने की, वहां के मदरसों में 5-star मदरसे की शक्ल में बने हुए थे और वहां पे कई तरह की चीजें हो रही थी, जिससे कि वहां के गवर्नमेंट ने, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले उन्होंने मदरसों का डिमोलिशन तक भी किया था और उसमें ये बोला था कि एंटी सोशल एक्टर्स है, इनके साथ इनके रिलेशंस है जिसकी वजह से हम इस तरह का वाकये को अंजाम दे रहे हैं। उसकी वजह साफ थी, उनका साफ कहना था कि ऑन पेपर नहीं पता चल रहा था लेकिन कई सारे ऐसे लिंक्स मिले थे, मोबाइल फोन में कॉन्टेक्ट मिले थे जिसमें इस बात की जानकारी मिल रही थी कि ये इसमें पीएफआई का लिंक है। केरल सरकार ने 2010 से लेकर 2014 के बीच में कुछ वाकया भी दिए, कुछ उदाहरण भी दिया था। और कुंदन आपकी आवाज नहीं आ रही, अब आपसे और बातचीत करने से पहले एक बार फिर से बता देते हैं किस तरीके से ये बड़ी कार्रवाई की गई है और पीएफआई के खिलाफ जिस तरीके से सुरक्षा एजेंसीज के हाथ सबूत लगे, पीएफआई और उसके सहयोगी संगठनों पर कार्रवाई को लेकर ये बड़ा फैसला, राम कदम की तरफ से फिलहाल क्या कहा जा रहा है पूरे मामले पर? देश के नौजवानों को गुमराह करके, उनको आतंकवाद में छूके, खुलेआम भारत की भूमि पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे दे, तो ऐसे संगठन पर जरूर प्रतिबंध लगेगा। अब यह बदला हुआ नया भारत है, यह कांग्रेस दल के कार्यकाल का पुराना भारत नहीं है। यह आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बदला हुआ नया भारत है। इस नए भारत के मुल्क में किसी भी देशद्रोही गतिविधियों को बढ़ावा कतई नहीं मिल सकता, उन पर प्रतिबंध जरूर लगेगा। जो सरकार का ये जो प्रतिबंध लगाने का फैसला है, यह फैसला ये सुनिश्चित करता है कि इस भारत के भूमि पर आतंकवाद को हम पनपने नहीं देंगे। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।